जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है धनतेरस। जानेंगे आज के वीडियो में धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस की खरीद से पहले जाने ये महत्वपूर्ण बातें, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं धनतेरस के बारे में और धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, धनतेरस का त्यौहार दीपावली से पहले मनाया जाता है और इसे संपत्ति, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी करने का रिवाज है। हालांकि कई ऐसी वस्तुएं भी है जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। आइए जानें इस दिन किन किन चीजों को खरीदने से हमें बचना चाहिए। मित्रों, इसी लिस्ट में सबसे पहली वस्तु है लोहे की वस्तु। धनतेरस के दिन लोहे से बनी चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। लोहे को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है और ज्योतिष के अनुसार शनि का असर कष्टदायक हो सकता है, इसलिए धनतेरस पर लोहे से बनी हुई वस्तुएं जैसे ताले, कैंच या लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। दूसरा, कांच की वस्तुएं। कांच की चीजें भी धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। कांच नाजुक होता है और जल्दी टूट जाता है, जिसे घर की दरारों और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। खासकर बर्तन, शीशे या सजावटी वस्तुएं कांच की ना खरीदें। काले रंग की चीजें। काले रंग को शनि और राहु से जोड़ा जाता है और इसे अक्सर अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े, वस्त्र या अन्य कोई वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। तेल या तेल से बनी चीजें। तेल से बनी चीजों को भी धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। तेल का संबंध शनि देव से माना जाता है और शनि के अशुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए यह क्रिया सही नहीं मानी जाती है, इसलिए तेल, घी या अन्य तेलीय पदार्थ इस दिन नहीं खरीदें। अब जानते हैं क्या खरीदना होता है धनतेरस के दिन शुभ। सोना और चांदी। धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। यह समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। लोग धनतेरस पर सोने या चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं ताकि घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। बर्तन। बर्तनों की खरीदारी में भी धनतेरस पर शुभ मानी जाती है, विशेषकर चांदी या पीतल के बर्तन। इन बर्तनों को घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक माना जाता है। तीसरा, धातु की मूर्तियाँ। धनतेरस पर देवी देवताओं की धातु से बनी मूर्तियां खरीदना बहुत ही शुभ होता है। लोग खासकर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां खरीदते हैं ताकि उनके घर में धन और समृद्धि का आगमन बना रहे। मित्रों, धनतेरस पर सही वस्तुओं की खरीदारी करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन का संबंध सीधे समृद्धि और सुख समृद्धि से होता है। लोहे, कांच, काले रंग की चीजें और तेल से बनी वस्तुएं इस दिन अशुभ मानी जाती है, जबकि सोना, चांदी और बर्तन जैसे धातु के समान शुभ माने गए हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप इस त्यौहार को अधिक सुखमय और सफल बना सकते हैं। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी धनतेरस के बारे में। आज हमने जाना धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें नहीं खरीदनी है। अगर आप इन्हें खरीदते हैं तो शुभता में रहेगी कमी। तो इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।